हेलो, पिछली वीडियो में हमने रिव्यू टैब के बारे में जाना। इस वीडियो में हम व्यू टैब के बारे में जानेंगे। तो व्यू टैब पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन व्यूज़, यहाँ पे हमारे फाइव व्यूज़ आ जाएंगे। तो ये करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे। जैसे ये प्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे ओपन कर दी। ओपन करने के बाद हम ये फर्स्ट व्यू को करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल व्यू, तो ये हमारा नॉर्मल व्यू है। ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा नॉर्मल व्यू है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही यहाँ पे रहता है। आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो है आउटलाइन व्यू में आ जाएगा। तो अगर आउटलाइन व्यू में ये देखो जितना भी है ये आउटलाइन इसमें आ गया, व्यू में आ गया। अगर हम आउटलाइन व्यू में यहाँ पे कुछ चेंजिंग करेंगे तो वो चेंजिंग जो है हमारी स्लाइड में हो जाएगी। जैसे सपोज करो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, इसको हम कलर इसका चेंज करते हैं। जैसे ये कलर हमने इसको रखा और इसका बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसको अगर फॉन्ट्स चेंज करना है, जैसे ये फॉन्ट इसमें चेंज करना है, तो ये हम यहाँ पे फॉन्ट चेंज करके इसको अंडरलाइन करना है। तो ये जितनी भी हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे हमारी स्लाइड में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अगर सब टाइटल में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन ब्राउज़र, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ भी इसका भी कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो ग्रीन रखा। ग्रीन करने के बाद इसका साइज़ यहाँ पे 36। इसके बाद अगर इसको भी हम ये इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखो फॉन्ट चेंज हो गया। तो ये जो भी चेंजिंग हम यहाँ पे आउटलाइन व्यू में यहाँ पे करेंगे तो वो चेंजिंग हमारी स्लाइड में यहाँ पे हो जाएगी। अगर सेकंड स्लाइड में भी चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट किया, टाइटल को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी अगर कलर में करना है, जैसे सपोज करो हमने इसको कोई भी कलर यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये कलर हमने ले ली। इसके बाद इसको बोल्ड कर दिया, ये बोल्ड में हो गया। इसके बाद अंडरलाइन कर दिया। तो ये देखो जो भी आउटलाइन व्यू में हम चेंजिंग कर रहे हैं वो चेंजिंग हमारी स्लाइड में यहाँ पे हो रही है। इसके बाद इसको अंडू करेंगे। यहाँ पे ये सारा हमने इसको अंडू किया। ये देखो व्यू पे जाएंगे। इसके बाद फिर हम इसको नॉर्मल व्यू पे रखेंगे। ये नॉर्मल व्यू में आ गया। इसके बाद आउटलाइन व्यू के बाद हमारा अगला है स्लाइड सॉर्टर। तो स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है, जैसे सपोज करो ये हमारी स्लाइडें हैं, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और यहाँ पे फिफ्थ आएगी। और इसके बाद जो स्लाइडें होंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी, चाहे हमारे पास कितनी भी स्लाइडें हैं नीचे वो हमें दिखाई नहीं देंगी। तो इसको देखने के लिए अगर हम सभी स्लाइडें एक साथ देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्लाइड सॉर्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सभी स्लाइडें यहाँ पे थंबनेल जैसे होता है वैसे बन के यहाँ पे आ जाएंगी। तो आने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, अगर इस स्लाइड को हम ये यहाँ पे ले जाना चाहते हैं, इसको हम रीअरेंज करेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, टाइप्स ऑफ ब्राउज़र को अगर हम ये लास्ट में ले जाना चाहते हैं, अब टाइप्स ऑफ ब्राउज़र को हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे। ये देखो लास्ट में ले गए। तो ले जाने के बाद ये देखो सेकंड स्लाइड जो है फर्स्ट में आ गई। इसके बाद थर्ड ये सेकंड में आ गई। इसके बाद अगली स्लाइड जो थी हमारी ये तीसरे नंबर पे आ गई। और ये जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी ये सबसे लास्ट में आ गई और इसकी यहाँ पे नंबरिंग हो गई फोर्थ। तो जब हम इसको नॉर्मल में देखेंगे तो ये नॉर्मल में यहाँ पे नंबरिंग चेंज हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे नॉर्मल पे तो ये रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट ये फर्स्ट नंबर पे, और ये जो फर्स्ट पे थी ये लास्ट में चलेगी। तो ये हमारा स्लाइड सॉर्टर हो गया। इसके बाद है नोट स्पेस। नोट स्पेस जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे ये टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, ये टाइप्स ऑफ ब्राउज़र है, इसमें कुछ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर नोट्स। लिखने के बाद अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम होम यहाँ पे होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद इसका कलर यहाँ पे चेंज करेंगे। सपोज करो हमने इसका कलर ये पर्पल ये रखा और इसका साइज़ हमने बढ़ा दिया, ये रखा 48। 48 के बाद इसका अगर हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये हमने रख दिया।
रखने के बाद इसको अंडरलाइन कर दिया। अगर हम इसको स्लाइड शो करेंगे तो स्लाइड शो में ये नोट्स हमें दिखाई नहीं देंगे। ये देखो, सपोज करो हम यहाँ पे इसको स्लाइड शो किया तो स्लाइड शो में ये नोट्स हमें दिखाई नहीं देंगे। तो ये अगर हम ये नोट्स देखना चाहते हैं, फिर जैसे नॉर्मल व्यू पे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो नॉर्मल व्यू में देखो ये जो टाइप्स ऑफ ब्राउज़र में यहाँ पे नोट्स लगाए थे, ये नोट्स हमें दिखाई नहीं देंगे। अगर ये हमें देखने हैं तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे नोट्स पेज पे जाएंगे। ये देखो, नोट्स पेज पे जाने के बाद ये कंप्यूटर नोट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कौन से यहाँ पे नोट्स लगाए हुए हैं। इसके बाद है हमारा यहाँ पे नॉर्मल पे इसको रखेंगे, इसके बाद है रीडिंग व्यू। तो रीडिंग व्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी स्लाइड को रीड कर सकते हैं। ये देखो, यह हमारी स्लाइड यहाँ पे हम इसको रीड कर सकते हैं। ये जैसे विंडो, यहाँ पे विंडो के हिसाब से ओपन होगी। जैसे यहाँ पे देखो पावर पॉइंट है, यहाँ पे क्लोज बटन है, ये हमारा रीस्टोर बटन है, ये हमारा मिनिमाइज बटन है, और ये हमारी स्टेटस बार है, ये हमारी टास्क बार है। तो ये विंडो के हिसाब से ओपन होती है। यहाँ पे कुछ भी अगर रीड करना है तो हम रीडिंग व्यू के जरिए इसको रीड कर सकते हैं। ये अगली स्लाइड है, ये अगली है, ये देखो सभी स्लाइड यहाँ पे आ रही हैं। तो ये हमारा रीडिंग व्यू हो गया। इसके बाद है मास्टर व्यूज़। मास्टर व्यूज़ में हमारी तीन कमांडें हैं। फर्स्ट कमांड है हमारी स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर, यदि हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अपना कोई डिज़ाइन खुद बनाना चाहते हैं तो हम काम ये आसानी से कर सकते हैं। हम स्लाइड मास्टर के जरिए डेट एंड टाइम, पेज नंबर, बैकग्राउंड, लोगो, फॉन्ट, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर आदि को एक साथ सभी स्लाइड्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे स्लाइड मास्टर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा, जैसे ये है हमारा कौन सा लेआउट है, जैसे स्लाइड्स का ये सेकंड वाला, ये इसको यहाँ पे लिया। लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम कोई भी चेंजिंग करेंगे तो वो चेंजिंग हमारे सभी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगी। सपोज करो हम यहाँ पे ये जो टाइटल है इसका यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे हम होम पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका कलर चेंज करेंगे। जैसे सपोज करो ये पर्पल कलर यहाँ पे लिया और इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद इसको अंडरलाइन यहाँ पे करेंगे, ये अंडरलाइन में भी आ जाएगा। और अगर इसको हम यहाँ पे फॉन्ट इसका चेंज करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो हम इसका फॉन्ट जो है ये लेंगे, तो ये लेने के बाद ये देखो हमने यहाँ पे टाइटल के लिए यहाँ पे चेंजिंग कर दी, ये टाइटल में चेंजिंग आ जाएगी। तो ये जो चेंजिंग होगी हमारी जितनी भी स्लाइडें होंगी वो सभी स्लाइडों में अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद अगर हम सब टाइटल में यहाँ पे कोई चेंजिंग करेंगे, जैसे सपोज करो इसका भी कलर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, इसको ग्रीन रखा और इसको भी हमने क्या किया, बोल्ड कर दिया, और इसका भी हम साइज़ यहाँ पे 36 रखा। तो ये चेंजिंग हमने सब टाइटल के लिए यहाँ पे लगा दी। तो अब क्या करेंगे, जब हम इसको देखेंगे तो ये चेंजिंग सभी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे सपोज करो हम यहाँ पे लोगो भी यहाँ पे लगाने जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर पे जाने के बाद अब लोगो कहाँ पे रखा हुआ है, जैसे डेस्कटॉप पे ये लोगो यहाँ पे इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद ये देखो लोगो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लोगो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसका साइज़ हम अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे। तो सेट करने के बाद ये हमने यहाँ पे रखा, तो ये मेरे चैनल का लोगो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ये लोगो अब जितनी भी हमारी स्लाइडें हैं उन सभी स्लाइडों में ये लोगो, और ये जो चेंजिंग हमने यहाँ पे की ये चेंजिंग हमारी सभी स्लाइडों में अप्लाई हो जाएगी। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे व्यू पे जाएंगे और नॉर्मल यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। तो नॉर्मल व्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमारी ये फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ भी ये चेंजिंग आ गई, ये देखो ये लोगो। ये सेकंड स्लाइड पे क्लिक किया, ये देखो ये हमने जो फॉर्मेटिंग की थी टाइटल के लिए वो आ गई, और जो हमने सब टाइटल के लिए फॉर्मेटिंग की थी वो यहाँ पे आ गई, और ये लोगो सेकंड के लिए भी अप्लाई हो गया। ये हमारी थर्ड स्लाइड है, इसके लिए भी सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई होगी, और ये फोर्थ स्लाइड है, इसके लिए भी
यहाँ भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। तो इस प्रकार जो चेंजिंग हम एक बार करेंगे वो चेंजिंग सभी स्लाइडों में अप्लाई हो जाएगी। तो ये हम स्लाइड मास्टर के जरिए ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा मास्टर व्यूज में जो हमारी अगली कमांड है वो हैंड आउट मास्टर कमांड है। तो पहले हम हैंड आउट मास्टर कमांड को समझते हैं। हैंड आउट मास्टर ये प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट होता है। प्रेजेंटेशन से पहले हम ऑडियंस में हैंड आउट बांट सकते हैं। इसमें स्लाइड्स के छोटे छोटे प्रिंट एक पेज में 1, 2, 3, 4, 6, 9 की संख्या में होते हैं। जो ये जो प्रेजेंटेशन होता है ये ऑडियंस को दिया जाता है ताकि ऑडियंस प्रेजेंटेशन को आसानी से समझ सके। एक पेज पर कम से कम एक या अधिक से अधिक 9 स्लाइड्स प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हैंड आउट मास्टर कमांड पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये रिबन यहाँ पे ओपन हो जाएगा हैंड आउट मास्टर का। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पे कमांड है हैंड आउट ओरिएंटेशन। हैंड आउट ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट यहाँ पे दी गई है। तो ये अगर हम चेंज करना चाहते हैं, इसको लैंडस्केप में चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हैंड आउट ओरिएंटेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर बटन पे, और यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो ये चेंज हो जाएगी, ये जो है ये लैंडस्केप ये फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको पोर्ट्रेट यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे ये पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगी। इसके बाद स्लाइड साइज, ये जो हमारी स्लाइडें हैं इनका साइज अगर हम रखना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे, एक है स्टैंडर्ड 4:3 का है, वाइड स्क्रीन 16:9 का है। तो बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है ये 16:9 ये हमारे यहाँ पे सेट होता है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड में रखना चाहते हैं तो ये भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंश्योर फिट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे साइज आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, वाइड स्क्रीन ही रखेंगे। यहाँ पे वाइड स्क्रीन पे क्लिक किया, ये वाइड स्क्रीन यहाँ पे साइज यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है अगली कमांड है स्लाइड पर पेज, कि एक पेज में कितनी स्लाइडें आनी चाहिए। यहाँ पे हम सेट करेंगे कि एक ये जो हमारा पेज है यहाँ पे कितनी स्लाइडें हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 6 स्लाइड यहाँ पे एक पेज में दी गई हैं। अगर हम ये चेंज करना चाहते हैं, सपोज करो हम ये हमारी स्लाइडें जो हैं ये छोटी छोटी ये जो हमारे थंबनेल हैं ये हमारी स्लाइडें हैं, तो अगर हम यहाँ पे एक स्लाइड रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्लाइड पर पेज यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे और 1 पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो एक ही स्लाइड यहाँ पे आएगी। अगर दो चाहिए यहाँ पे 2 स्लाइड्स, ये देखो एक और ये 2। अगर 3 चाहिए तो 3 स्लाइडें ये आ जाएंगी, ये 3 स्लाइडें 1, 1, 2, 3। अगर हमें और स्लाइडें चाहिए 6 चाहिए तो ये 6 स्लाइडें यहाँ पे आ जाएंगी, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद 9 चाहिए तो यहाँ पे 9 पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये 9 स्लाइडें हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो जो भी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वो स्लाइडें यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। इसके बाद है अगला है प्लेस होल्डर ग्रुप। प्लेस होल्डर ग्रुप में ये जो ऊपर दिया गया है, जैसे ये हेडर है, ये डेट है, ये फुटर है, ये हमारा पेज नंबर है, ये प्लेस होल्डर है। अगर हम ये हेडर यहाँ पे बंद करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे। ये देखो यहाँ से ये चला जाएगा, हेडर चला जाएगा। डेट भी अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसको अनचेक करेंगे, ये डेट भी चली जाएगी। अगर फुटर में फुटर नहीं चाहिए तो ये देखो फुटर चला जाएगा। अगर ये पेज नंबर ये भी नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये भी यहाँ से चला जाएगा। अगर चाहिए तो हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारा वापस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है अगर कोई हमने यहाँ पे थीम अप्लाई की हुई है तो उसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला है बैकग्राउंड। अगर हम इसकी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये स्टाइल यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी स्टाइल चाहिए, सपोज करो हमें बैकग्राउंड ये चाहिए स्टाइल, तो ये देखो इस स्टाइल में ये बैकग्राउंड आ जाएगी।
अगर कलर चेंज करना है या फ़ॉन्ट चेंज करना है, इफ़ेक्ट यहाँ पे लगाने हैं, तो ये भी हम लगा सकते हैं। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोट्स मास्टर ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे ये जो टैब बन जाएगा इसका, तो यहाँ पे नोट स्पेस ओरिएंटेशन, तो हम इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। ये जो है यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड है। इसके बाद अगर इसको लैंडस्केप करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लैंडस्केप यहाँ पे हो जाएगा। ये देखो, ये लैंडस्केप मोड यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम पोर्ट्रेट रखेंगे। इसके बाद है स्लाइड साइज़। अगर साइज़ इसका चेंज करना है तो यहाँ पे दो साइज़ है, एक है स्टैंडर्ड, एक है वाइड स्क्रीन। अगर स्टैंडर्ड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वाइड डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वाइड स्क्रीन यहाँ पे सेट है। इसके बाद आ गया है प्लेस होल्डर में हेडर। अगर हम हेडर को अनचेक करेंगे तो ये हेडर यहाँ से चला जाएगा। ये देखो, हेडर अनचेक किया, ये यहाँ से चला जाएगा। अगर स्लाइड अमेज, ये स्लाइड की अमेज है, इसको हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अमेज यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद वापस लानी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वापस आ जाएगी। इसके बाद है फुटर। ये फुटर अगर नहीं चाहिए तो हम इसको अनचेक करेंगे, ये यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद ये डेट है, डेट भी अगर हमें नहीं चाहिए तो इसको अनचेक करेंगे, ये डेट चली जाएगी। इसके बाद बॉडी, ये जो है यहाँ पे जहाँ पे नोट्स वगैरह शो होते हैं, यहाँ पे बॉडी बंद करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये चली जाएगी। अगर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वापस आ जाएगी। ये नीचे है पेज नंबर, अगर नहीं चाहिए तो इसको अनचेक करेंगे, ये यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद कोई थीम ली हुई है उसको एडिट करना है तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड, अगर इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है तो यहाँ पे बहुत से स्टाइल दिए गए हैं। अगर बैकग्राउंड चेंज करनी है, सपोज करो ये बैकग्राउंड चाहिए, तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम इसको ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं आएगी। तो इस प्रकार अगर कलर चाहिए तो कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करने हैं तो फॉन्ट चेंज यहाँ से कर सकते हैं, या इफ़ेक्ट चाहिए तो ये यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें नोट्स, ये जैसे जो हम यहाँ पे नोट्स बनाए तो यहाँ पे किस कलर में आए, तो यहाँ पे हम सेट करेंगे। जैसे ये सभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, किस कलर में चाहिए, यहाँ पे कलर ले लेते हैं कोई भी। यहाँ पे सपोज करो ग्रीन कलर यहाँ पे लिया। ये लेने के बाद अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये फॉन्ट हमने यहाँ पे लिया, इसका साइज़ यहाँ पे बढ़ाया, 40 किया, तो ये 40 में आ जाएगा, ये साइज़ में आ जाएगा। और इसको अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं ये। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग की। अगर साइज़ इसका कम कर देना है तो हम ये 24 ये रखा। रखने के बाद अगर हम यहाँ पे नोट्स में कोई अमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज करो यहाँ पे हम ये कर्सर रखेंगे, ये यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद सपोज करो यहाँ पे हमें कोई अमेज चाहिए तो हम अमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे गए, पिक्चर पे जाने के बाद कोई भी अमेज चाहिए, जैसे सपोज करो ये लोगो यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है तो ये लोगो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हम कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह, कुछ भी अमेज वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ये कलर दे दिया। अब जब हम इसको क्लोज करेंगे और इसको यहाँ से चेक करेंगे व्यू टैब पे जाके नोट स्पेस, तो ये देखो नोट स्पेस यहाँ पे अमेज यहाँ पे आ गई है। अब ये जो भी यहाँ पे हम लिखेंगे उस कलर में ये लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर नोट्स, यहाँ पे हमने लिखा, तो जो हमने पीछे ये कलर वगैरह सेट किए थे, जो फॉन्ट सेट किया था, वो उस फॉन्ट पे यहाँ पे नोट्स वगैरह बन के आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हम नोट्स मास्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने प्रेजेंटेशन व्यूज़ और मास्टर व्यूज़ के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।